ਪ੍ਰਿੰਤਾ ਪ੍ਰਿੰਤਾ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਾਂਥਾ ਕੁਮਾਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇਤਵਾਰ ਉੱਤੇ ਲੱਭੇਗੀ ਆ ਹੁਸੈਨ ਵਾਚਿੰਗ ਡੇਰਿੰਗ ਟੈਕ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੇ ਸੁਣੇ कि ये लोग कह क्या रहे हैं और इन्होंने मारा किस वजह से सुनिए। लिखा ही दोबारा उत्ते लपेगी आ हुसैन लिखा ही कि तुरी शरीफ पड़ी सुभाष के वगत उन्हें वो फाड़ के बस स्पीड उत्ते सुटे बस स्पीड पर सुट छड़े आए तो असी अपने जरा फोरमैन को कहा कि यार गलत होया है तेन को माफी मंगी अगो जरा गल करता नस गया अंदर दफ्तर से असी अपनी मैनेजमेंट ने गल की है उन्होंने कि फिर आप रल मिल के जरा आई सारे क्योंकि मन सपा नबी हमारे नबी पाक ने हदीस के हदीस भी है कि जो भी नबियों की शान में गुस्ताखी करेगा उसका सर तन से जुदा किया जाएगा। आपके नाम पर जाबी खुर्बान मोहम्मद तलहा नाम है मेरा मोहम्मद तलहा फरहान मोहम्मद फरहान दोबारा के ऊपर या हुसैन लिखा हुआ था या हुसैन तो उसने आकर फाड़ा जो फाड़ कर बस में डाल दिया फेंक दिया वो हमसे ना दोबारा नहीं हुआ हमने वैसे बात की है वो कह रहे ये बात होगा था मैम ने कहा नहीं ये ना आगे ना मैनेजर से बात करें जिसने जो भी किया है गलत किया है ठीक है तो वो कह रहे हैं कि ठीक है हम बात करते हैं आगे हमने कहा नहीं अभी भी बात होनी है नहीं तो हमने काम नहीं करना तो कहते ठीक है फिर हमने ना साथ लड़के के लिए साथ तनाई था वो भी साथ आया और हमने ये एहतजाज किया फिर उसको ना उसका जो नतीजा था उसको हमने इधर जला दिया है सुन लीजिए आप लोगों ने वीडियो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में उन पे लाखों पत्थर बरसाए गए हजारों लोगों ने उन पे कचरा फेंका और उसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें माफ़ फरमा दिया और जंगों के दौरान उन्होंने कुफार तक को माफ़ फरमा दिया। ये कह रहा है कि एक पर्चे के ऊपर पेपर पे लब्बैक या हुसैन लिखा हुआ था और उसको उसने डस्टबिन में फेंक दिया जो हमें बुरा लगा और हमने उसको कत्ल कर दिया। ऐसे दरिंदों से ये कोई पूछे इन्होंने कभी कुरान खोलकर पढ़ा है कभी नामूस रिसालत के ऊपर इन्होंने पढ़ा है कि किस तरीके से पेश आना चाहिए। अगर तो इसने कोई बेहरमती किसी भी हिसाब से की थी तो फैक्ट्री के अंदर था इसको कानून के हवाले करते और उसके बाद इसके तहकीकात होने के बाद इसको सज़ा दी जाती। किस कानून में लिखा है कि बेदर्दी से डंडे मार मार के कत्ल कर दो और उसके बाद उसको आग लगा दो और पूरी दुनिया में ये इम्प्रेशन डाल दो कि जी दीन और जो इस्लाम है और जो मुसलमान है वो दहशतगर्द हैं और इनका काम ही जो है वो दहशतगर्दी करना है। ये यहूदी एजेंडा है। TLP का नाम इसमें बार बार आ रहा है और नारे भी लब्बैक या रसूल अल्लाह के लग रहे हैं जो कि TLP का एक ट्रेडमार्क है। या तो ये सारे लोग ज़हनी तौर पे मफलूज हो चुके हैं इनको पता नहीं होता कि ये इनके इन्होंने नारा कौन सा लगाना है और किसको लगाना है किस वजह से लगाना है। या तो हो सकता है कि TLP को बदनाम करने की साजिश हो और ये बताया जाए कि ना तो ये पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम का ये रवैया है गैर मुल्कियों के साथ और ना दीन और इस्लाम ये मुसलमानों को और दुनिया को ये सिखलाता है कि किसी भी आम शहरी
या किसी भी दूसरे मुल्क का बाशिंदे को इस बेदर्दी से कत्ल कर